कस्तूरी बिलाव, जिसे गंध बिलाव भी कहा जाता है, ये एशिया और अफ्रीका के विशेषकर जंगलों में पाया जाता है। यह एक छोटा पतला बिल्ली के आकार से मिलता जुलता निश्चारी स्तनधारी प्राणी होता है। कस्तूरी बिलाव के दुम के नीचे एक गंध ग्रंथि से एक विशेष प्रकार की कस्तूरी गंध उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यह आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और आमतौर पर रात के समय ही बाहर निकलते हैं। कस्तूरी बिलाव वाइवेरिडाए कुल से संबंध रखता है और ये स्तनधारी जीव मांसाहारी होता है। इसके गंध के रसायनों को इत्र या कॉफी बनाकर बेचा जाता है। इसकी वैसे तो कई जातियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया से भारत और चीन तक फैला हुआ है। इसका कद लगभग 3 फुट लंबा और 10 इंच ऊंचा होता है। ये स्लेटी रंग का होता है जिस पर काली चित्तियां बनी रहती हैं। दूसरा अफ्रीकी कस्तूरी बिलाव है जो इससे गाढ़े रंग का और बड़े बालों वाला होता है। वैसे तो कस्तूरी बिलाव का शरीर बिल्ली जैसा ही होता है, लेकिन इसका चेहरा कुछ कुछ कुत्ते की तरह आगे से खींचा हुआ होता है। इनमें एक ग्रंथि होती है जिससे वह अपनी कस्तूरी जैसा महक पैदा करते हैं। पहले के समय में कस्तूरी बिलाव को मारकर उनकी ग्रंथि निकाल ली जाती थी और उसका प्रयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता था। आधुनिक युग में जीवित पशु से ही बिना ग्रंथि निकाले इसके गंध के रसायनों को इकट्ठा किया जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे।